बम महाराज जी, अगर हम बात करें जैसे मजदूरों की बात करें या ठेकेदारों की बात करें, आप मजदूरों की लड़ाई तो लड़ते रहते हैं, मगर ठेकेदारों को साथ भी बहुत सारी समस्या होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न भी है और समस्या भी है। अक्सर लोग ये कहते हैं जो हम मजदूरों की ही लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से हम मजदूर की लड़ाई नहीं, ठेकेदारों की भी लड़ाई को लड़ते हैं। इससे पहले भी दीपावली के टाइम में, और दीपावली के टाइम में ही नहीं, उससे पहले ही अप्रैल से ही दिल्ली सरकार ने ठेकेदारों का पैसा 31/12/2020 तक के लिए रोक दिया था कई बार ऑर्डर निकाल कर। जब मेरे संज्ञान में ये बात आया तो मैं इसके ऊपर तत्काल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, श्रम मंत्री, कानून मंत्री केजरीवाल और LG, इन सब को पत्राचार किया और दैनिक भास्कर में आर्टिकल छपाया जो मजदूरों के पैसे से सरकार चलाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं था तो ठेका नहीं देते, और जब ठेका दिए हैं तो ठेकेदारों को पैसा दीजिएगा, तब तो मजदूरों को देगा। तो उन्होंने दिवाली में मेरे प्रयास से 31/12 तक जो बैन लगा हुआ था पैसे में, उसको रोक के आदेश जारी करके ठेकेदारों को पैसा दिया। एक तो हमने ये काम किया। दूसरी बात, ठेकेदारों की लड़ाई के और समस्या के संबंध में मैंने दो बात माइंड किया है। पहला तो, जो ये सरकार टेंडर निकालती है, ठेकेदारों को काम करने के लिए आदेश जारी करती है, उसमें लेबर जमादार का, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का या पेटी कॉन्ट्रैक्टर का या सब कॉन्ट्रैक्टर का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन बगैर लेबर जमादार के, बगैर पेटी कॉन्ट्रैक्टर का, बगैर सब कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी कंपनी, कोई भी ठेकेदार, बड़ी से बड़ी ठेकेदार हो या कंपनी हो, वो काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ गलत है। इन्हें लेबर जमादार को, सब कॉन्ट्रैक्टर को या पेटी कॉन्ट्रैक्टर को कानूनी तौर पर मान्यता दे देना चाहिए। तो मैं इसके लिए भी प्रयासरत हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या है ठेकेदारों के आगे, जो CPWD में या किसी भी एजेंसी में रजिस्टर्ड ठेकेदार है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में रोजी रोटी को लेकर खड़ा हो गया है। क्योंकि ये छोटे स्तर के जो ठेकेदार हैं, जो 2 करोड़ के, 1 करोड़ के, 5 करोड़ के, 10 करोड़ के, 15 करोड़ के काम करने की जिसकी वैधानिक क्षमता है, ये सभी ठेकेदार आज बेरोजगार हो गया है। और इसके लिए केंद्र सरकार की कहिए या राज्य सरकार की कहिए या किसी की भी कहिए, लेकिन सरकार की पॉलिसी जवाबदेह है। अटल जनशक्ति पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करते हुए हम 28 जनवरी 2021 को अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस पर संज्ञान लूँगा और प्रस्ताव पारित कर इन ठेकेदारों के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, और आज के इस संदेश के माध्यम से साफ कहना चाहते हैं, जो सरकार ने जो छोटे छोटे ठेकेदारों के हक को मारा है और बड़े ठेकेदारों को इसमें एंट्री दिया है, ये गलत किया है। और इसके लिए अटल जनशक्ति पार्टी सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी और ठेकेदारों को, छोटे छोटे ठेकेदारों को इंसाफ दिलाएगा। और जिस प्रकार पहले ये ठेकेदार, छोटे छोटे ठेकेदार छोटा छोटा ठेका लेते थे, अपना काम करते थे, उनको फिर से उसी प्रकार ठेके लेने का अवसर मिले, मैं ऐसा काम करूंगा। और इसमें ठेकेदारों का भी सहयोग मांगूंगा। जो ठेकेदार सहयोग देंगे वो भी भला, जो नहीं देंगे वो भी भला, किंतु मैं ईमानदारी के साथ अटल जनशक्ति पार्टी इन ठेकेदारों की लड़ाई को लड़ेगा और जीतेगा भी। और नहीं ये सरकार करेगा तो स्वयं में मैं सरकार बनाकर इनके हक की लड़ाई को जिंदा करूंगा। इन्हें, इन छोटे ठेकेदारों को उनका रोजी रोटी उन्हें वापस करूंगा, मुहैया कराऊंगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।